हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज प्रिंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सभी को न्यू ईयर का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन नए साल का की पहली तारीख से कुछ बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं, जिनमें आपको हम डिटेल से बताते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको नई नई वीडियो प्राप्त होते रहें। नए साल की पहली तारीख से कुछ बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं, इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर कारों के दाम तक शामिल हैं। साथ ही बैंकिंग में भी बड़ा बदलाव होगा, चेक सिस्टम को और अधिक पुख्ता बनाया जाएगा, साथ ही कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ साथ टोल पर लगने वाले लंबी लंबी जाम से निजात पाने के लिए सभी चौपहिया गाड़ियों के लिए 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर विभिन्न बैंकों के एजेंट व एनएचआई की तरफ से काउंटर लगाए गए हैं। लोग अपने वाहनों की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा आधार कार्ड को दिखाकर हाथों हाथ फास्टैग खरीद सकते हैं। गत एक वर्ष से करीब 70% वाहन फास्टैग की मदद से डिजिटली तरीके से टोल का भुगतान कर रहे हैं। कारों के दाम बढ़ेंगे। सभी ऑटो कंपनियों ने 1 जनवरी 2021 से कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इनमें सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, रोनाल्ट, होंडा कार्स इंडिया, टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स इंडिया, महिंद्रा शामिल हैं। इन कंपनियों ने 1 जनवरी से पैसेंजर और कॉमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी से उनके लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। चेक पेमेंट सिस्टम होगा लागू। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कुछ दिनों पहले चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया था। इन नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर ने अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग में इस बात का ऐलान किया था। आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इसका मकसद चेक का गलत इस्तेमाल रोकना है। इस सिस्टम से फर्जी चेक के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सकेगा। कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ेगी। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कहा है कि बड़े लेन देन के लिए इस्तेमाल आरटीजीएस प्रणाली 14 दिसंबर से 24 घंटे काम कर रही है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने संपर्क रहित लेन देन कॉन्ट्रैक्ट लेस ट्रांजेक्शन की सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। डिजिटली पेमेंट को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने के लिए यूपीआई या कार्ड के जरिए बिना संपर्क के लिए जा सकने वाले लेन देन की सीमा को 1 जनवरी 2021 से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया जाएगा। जीएसटी रिटर्न भी आसान हुआ है। माल एवं सेवा कर जीएसटी सिस्टम को सरल और करते हुए सेल्स रिटर्न दाखिल करने के मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी है। सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जनवरी 2021 से साल के दौरान महज 4 बिक्री रिटर्न मतलब कि 4 सेल्स रिटर्न दाखिल करने होंगे। इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न GSTR 3B दाखिल करने होते हैं। इसके अलावा 4 GSTR 1 भरना होता है। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा। तो दोस्तों, नए साल में बहुत कुछ बदलेगा। जनवरी से काफ़ी करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। साल बदल रहा है और उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी बदल रही हैं जो हमारी रोजाना की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगी। मसलन, आपके पैसों के लेन देन, बीमा, चैटिंग, कार खरीदारी और कारोबार तक असर पड़ेगा। इससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। हालांकि कुछ नियम ऐसे भी हैं जो जनवरी माह से तो अमल में आएंगे, लेकिन 1 जनवरी से प्रभावी नहीं होंगे। 1 जनवरी से आपको काफ़ी चीज़ें चेंजिंग होने को मिलेंगी, जैसे कार, टू व्हीलर हो जाएंगे महंगे, लैंडलाइन से मोबाइल कॉलिंग, जीएसटी की ई रसीद में बदलाव, फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, अब आप नई साल से इन चीज़ों के बारे में
पहले से जान लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय।